हेलो एवरीवन, 6 बज गए हैं और हमारी क्लास अब शुरू होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं 1836 से 1856 तक, हम इस बारे में, ये जो 20 ईयर का स्पैन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने टेलीग्राम लिंक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग आज से, उत्तराखंड का जो हमारा सेशन चल रहा है, जो सेक्शन चल रहा है 6 o'clock पे, या नॉर्मली तो ये 7 o'clock पे होता है, पर आज किसी वजह से मैंने इसको 6 o'clock कर दिया है। तो आज हम लोग एक नई चीज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के साथ साथ हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इनका भी कुछ पोर्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम कैसे उस पोर्शन को कवर करेंगे, हम उस पोर्शन को कवर करेंगे क्यू एंड ए मेथड से, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि हम लोग आज मैंने क्या किया है कि हिस्ट्री में से जो पहला चैप्टर है जिसमें स्टोन एज और हड़प्पन एज आता है, उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज पहली क्लास है तो 7-8 क्वेश्चन बनाए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखते हैं आप कितने उसमें से सॉल्व कर पाते हैं। अब क्या होगा, फिर हमारा एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन जाएगा। यानी कि कल मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग जो वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है और महाजनपद पीरियड है, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों टॉपिक कवर करके आएंगे, यानी कि वैदिक, लेटर वैदिक और महाजनपद, और फिर मेरे साथ बैठकर इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना नहीं होगा कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, सिर्फ इतना नहीं बताना मुझे, बल्कि मुझे ये भी बताना है आपको कि उससे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसके साथ कवर कर लेनी चाहिए। तो आज से उस चीज़ को शुरू करते हैं, ऐसा ही हम लोग पॉलिटी में करेंगे और चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कहीं रैंडम हम लोग कहीं से भी शुरू कर दें। जैसे हिस्ट्री है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे, फिर मिडीवियल कवर करेंगे, मॉडर्न करेंगे, जल्दी करेंगे, एक दिन में 3-3, 4-4 टॉपिक्स को ले लिया करेंगे। वैसे ही पॉलिटी कर लेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। आज हिस्ट्री करेंगे, कल भी हिस्ट्री कर लेंगे, फिर संडे को तो ऑफ रखेंगे, मंडे को पॉलिटी कर लेंगे। और सिलेबस क्या होगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ताकि जब आप क्लास में आएँ तो उन टॉपिक्स को कवर करें, फिर मेरे साथ बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस में जो अभी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को पूछें, उन क्वेश्चंस के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा और रिवीजन बनेगा और आपका एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं अपने इस एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले क्लास, उसके बाद ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज एडवर्ड गोवन। जॉर्ज एडवर्ड गोवन 1868 से 1838 तक रहे, लेकिन ये जो थे बहुत इफेक्टिव गवर्नर जनरल या फिर कमिश्नर नहीं रहे, गवर्नर जनरल नहीं, कमिश्नर। आपको मालूम होगा कि 1815 में जब अंग्रेजों ने कुमाऊं पर कंट्रोल किया तो कुमाऊं को उन्होंने कमिश्नरी डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद से वहाँ के जो हेड हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कमिश्नर कहा जाता था। तो एक के बाद एक कई कमिश्नर अपॉइंट हुए 1836 में। कौन कौन कमिश्नर थे, उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से था, जैसे कि इंपॉर्टेंट कमिश्नर जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो ट्रेल थे, जिन्होंने यहाँ की रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की हेल्थ, इन सब चीज़ों में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो उसी कड़ी में अगले हैं गोवन। गोवन जो हैं वो बहुत इफेक्टिव गवर्नर जनरल कमिश्नर नहीं रहे, उनको कई काम दिए गए पर उन काम में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। ये जो टाइम है, ये टाइम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको मालूम होगा कि 1833 में इनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इससे पहले क्या थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब जाहिर सी बात है जब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो इनका जो कंट्रोल था बाकी सारे एरियाज के ऊपर
वो काफी बढ़ गया। अब विलियम बेंटिक एक रिफॉर्मिस्ट प्रवृत्ति के आदमी थे, उन्होंने कई टाइप के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि सती प्रथा को एबॉलिश करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो विलियम बेंटिक को जाता है, ठगी प्रथा को समाप्त करने का कंट्रीब्यूशन वो विलियम बेंटिक को जाता है। तो विलियम बेंटिक की नज़र जो थी वो इन नदन एरियाज़ के ऊपर, कुमाऊँ और गढ़वाल के ऊपर भी थी, और वो चाहते थे कि जिस तरीके का रेवेन्यू सेटलमेंट हम लोग बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में या फिर जो उस समय आगरा और इलाहाबाद की प्रोविंस हुआ करती थी वहाँ पर लेकर आए हैं, ऐसा ही कुछ जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो पहाड़ी जो एरियाज़ हैं, कुमाऊँ गढ़वाल और हिमाचल की जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर भी लाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया हुआ था जो उनके बड़े खास एडवाइज़र थे, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, राइट। जिस तरीके से कॉर्नवालिस के टाइम पे, आपने कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा होगा जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, कॉर्नवालिस के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था जिसका नाम था जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ये वो दो आदमी थे जो कॉर्नवालिस के खास एडवाइजर थे, और असल में परमानेंट सेटलमेंट जो था वो इन दो आदमियों की देन थी। इन दोनों आदमियों की रिकमेंडेशन के बाद कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। पर नॉर्थ इंडिया में जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को जाता है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे, रेवेन्यू मैटर्स के एडवाइज़र भी थे। तो रॉबर्ट मार्टिन बर्ड ने गोवन को बहुत सारी डायरेक्शंस दी, लेकिन गोवन उनमें से किसी भी डायरेक्शंस को फुलफिल नहीं कर पाए। वो बिल्कुल एक मिलिट्री माइंडसेट के आदमी थे, उनका बैकग्राउंड पूरा का पूरा डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड था। सिविल मैटर्स की ना तो उनको नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और ना ही वो इनमें कुछ इंटरेस्ट लेते थे। बर्ड ने खुद अपने एक डॉक्यूमेंट में लिखा है कि गोवन एक ऐसे आदमी हैं जो कुमाऊं के कमिश्नर के पद पर होने लायक नहीं हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। जिसके बाद गोवन की सेवाएं जो थीं वो समाप्त कर दी गईं, और कुमाऊं के इतिहास में एज अ कमिश्नर उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। इसके बाद आते हैं हमारे जॉर्ज थॉमस ल्यूजिंगटन। ये जो डेट है थोड़ी सी गलत लिखी हुई है इस स्लाइड में, मैं भी अभी देख पा रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 1838 की जगह 1848 करेक्ट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये टाइपिंग एरर है, मैंने अभी जस्ट देखा है। तो जॉर्ज थॉमस ल्यूशिंगटन जो आए वो करीब करीब 10 सालों तक रहे यहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। यानी कि ट्रेल के बाद अगर कोई आदमी या कोई कमिश्नर आया जिसने कुमाऊं के लिए, कुमाऊं के वेलफेयर के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो वो जॉर्ज थॉमस ल्यूजिंगटन ही थे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा और जो इम्पोर्टेंट काम उनके टाइम पे हुआ वो था कुमाऊं को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अब तक क्या था, पूरा का पूरा कुमाऊं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था जिसे कुमाऊं कहा जाता था बस, और कुमाऊं का एक कमिश्नर हुआ करता था। अब क्या कर दिया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया, 26 जनवरी 1839 का ये रेजोल्यूशन था, और इस रेजोल्यूशन के द्वारा दो डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, एक तो हो गया कुमाऊं प्रॉपर और दूसरा हो गया गढ़वाल कुमाऊं। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से पौड़ी और चंपावत के जो कुछ एरियाज थे वो जो वैसे तो गढ़वाल में पड़ते हैं पर वो भी कुमाऊं का ही पार्ट हुआ करते थे। दो आदमी अपॉइंट किए गए, उनको कहा जाता था सीनियर असिस्टेंट। एक हुए जॉन हैलेट बैटन, जिनको सीनियर असिस्टेंट बनाया गया कुमाऊं का, और दूसरे हुए कैप्टन एच हेडलस्टन, जिनको गढ़वाल का सीनियर असिस्टेंट बनाया गया। तो इस तरीके से अब जो हायरार्की थी वो किस तरीके से बन गई, एक होंगे जिनको कहा जाएगा कमिश्नर, कमिश्नर जो कुमाऊं में जिनका ऑफिस था उस समय तक, कैपिटल जो थी इनकी, सेंटर जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कुमाऊं था। अभी आप देखेंगे किस तरीके से उसको नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया। इनके नीचे अब दो डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, एक कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया और दूसरे का दिया गया ब्रिटिश गढ़वाल, और इनको रिपोर्ट करने के लिए दो ऑफिसर्स भी थे। कुमाऊं का जो चार्ज था वो दिया गया एक ऑफिसर जिसका नाम होता था सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट टू हूम, सीनियर असिस्टेंट टू द कमिश्नर, और दूसरा किसको दिया गया, दूसरा दिया गया
कड़वाल का चार्ज, उसको भी सीनियर असिस्टेंट कहा जाता था। और उनके नाम क्या थे, जॉन हैलेट बैटन। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आगे चल के ना कुमाऊँ के डेवलपमेंट के लिए, कुमाऊँ को बसाने में, नए शहरों को ढूंढने में, वहाँ की रेवेन्यू सेटलमेंट को बनाने में। और इसी तरीके से एच एडर्सन जो थे वो पहले सीनियर असिस्टेंट बने गढ़वाल के। तो ये एक प्री का क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ। ये तो एक क्वेश्चन बनता ही है। इसके अलावा फर्स्ट कमिश्नर और फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर भी पूछा जा सकता है, या फिर सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर भी पूछा जा सकता है। तो आप कहें जॉन हैलेट बैटन, सीनियर असिस्टेंट ऑफ कुमाऊँ और सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ, एंड कैप्टन एच हिडलस्टन, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल। इसके अलावा ल्यूजिंगटन ने एक काम और भी किया, उन्होंने पब्लिक हॉलीडेज की एक प्रॉपर लिस्ट बना ली। इंडिया में खासकर कुमाऊँ के एरिया में भी अब तक इस चीज़ को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब त्यौहार बहुत होते थे, हिंदुओं के अलग त्यौहार हो गए, यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स हैं वो अलग हो गए, अंग्रेजों के अलग हो गए, जिसकी वजह से क्या होता था, करीब करीब 150-200 दिन तक, 365 दिन में से 150-200 दिन जो हैं किसी न किसी त्यौहार की वजह से ऑफिस बंद रहते, क्योंकि कोई प्रॉपर लिस्ट तो थी नहीं कि क्या पब्लिक हॉलीडेज होंगी, जिसकी वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम आती थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आती थी, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती थी। 365 दिन में से 200 दिन की छुट्टी ही चल रही है, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है। तो एक काम किया गया जॉर्ज थॉमस ल्यूजिंगटन ने, और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उन्होंने प्रॉपर एक पब्लिक हॉलीडे लिस्ट बना ली। उन्होंने डिसाइड किया कि किस किस छुट्टियों को सार्वजनिक छुट्टियां या सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। ये काम भी ल्यूजिंगटन के टाइम पर ही हुआ है। इसके अलावा जो हेडलस्टन थे, हेडलस्टन जिनको कहाँ का चार्ज दिया गया था, जिनको कुमाऊँ का चार्ज दिया गया था, उन्होंने देखा कि कुमाऊँ के एरिया, सॉरी गढ़वाल का चार्ज दिया गया था, बाय मिस्टेक है ना, गढ़वाल का चार्ज दिया गया था, ये देखिए गढ़वाल का चार्ज दिया गया था। तो हेडलस्टन जिनको गढ़वाल का चार्ज दिया गया था, उनको रियलाइज हुआ कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको पार करने में बड़ी मुश्किल आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो प्लेन से आते हैं पहाड़ों की तरफ, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ इन जगहों पर जाना चाहते हैं, पर प्रॉपर नदियां और उनको क्रॉस करने का कोई सिस्टम ना होने की वजह से उनको काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ट्रेल ने भी इस ओर काफ़ी काम किया, उन्होंने मंदिरों का जो फंड था वो मंदिर के लोगों से उसकी परमिशन ली और उस फंड को यूज़ करके वहाँ के लिए सड़कें बनवाईं। इसके अलावा उसने फेरी व्यवस्था की, यानी कि जो छोटी बोट्स होती हैं वो बोट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। पहले क्या होता था, जैसे आजकल तो केदारनाथ वगैरह के रास्ता अलग है, पहले ये जो हरिद्वार में चंडी मंदिर है, गंगा नदी को पार करके चंडी मंदिर जाता था और फिर वहां से पैदल यात्रा शुरू हुआ करती थी केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के लिए। आजकल तो ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश से फिर पूरा रास्ता जाता है और रोड बनी हुई है। जब रोड नहीं थी तो सारा का सारा जो तीर्थयात्री हुआ करते थे वो नदी पार करके चंडी मंदिर, है ना, चंडी जो माउंटेन है वहां तक जाया करते थे चढ़कर, और फिर वहां से वो तीर्थयात्राओं पर निकल जाया करते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स थी जो इनको क्रॉस करनी पड़ती थी। तो हेडलस्टन ने क्या किया कि उन रिवर्स को आइडेंटिफाई किया जो नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या जो पब्लिक रूट पे पड़ती हैं, पिलग्रिमेज रूट पे पड़ती हैं, और उन्होंने उस पर सस्पेंशन ब्रिज जो थे, झूला ब्रिज बोलते हैं ना, राम झूला लक्ष्मण झूला, ये तो खैर इन्होंने नहीं बनवाए, हेडलस्टन ने राम झूला लक्ष्मण झूला नहीं बनवाया, ये काफ़ी बाद में बना है, बट इसी टाइप के बहुत सारे जो सस्पेंशन ब्रिज थे वो हेडलस्टन के द्वारा बनवाए गए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो था नैनीताल का अर्बनाइजेशन, नैनीताल की स्थापना। अब इसको लेकर कई बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पी बैरन जो हैं वो हैं जिन्होंने ये नैनीताल शहर ढूंढा, उन्होंने ये नैनीताल जो लेक थी वो ढूंढी और फिर वहां पे सेटलमेंट शुरू किया। लेकिन बैरन खुद अपनी किताब में और अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं कि पहले आदमी जिन्होंने इस नैनी झील को देखा, इसके बारे में मेंशन किया है, वो ट्रेल थे, कमिश्नर ट्रेल ही थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन वो आदमी था जो जिसने नैनीताल जो जगह है वो ढूंढी, तो आपका आंसर उसमें ट्रेल ही रहना चाहिए। हाँ, जो डोबरा चाटी तो अब बहुत एडवांस हो चुका है,
अब तो राम झूला लक्ष्मण झूला भी वही है, तो वो सस्पेंशन ब्रिज का सिस्टम जो था ना काफी आसानी से बन जाते हैं ये, तो इनको बनाया गया था। अभी भी ये अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिज आपको ना पहाड़ों में देखने को मिल जाएंगे, उनको रिपेयर करते करते उसको ठीक किया गया है, पर अभी भी ये एग्जिस्टेंस में है। तो नैनीताल पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ट्रेल। ट्रेल वो आदमी थे जिन्होंने ढूंढा। अगर ट्रेल ऑप्शन में नहीं होगा तो पी बैरन मान लीजिएगा, है ना। कमीशन चांस देता है, कमीशन क्या करता है, जब आपका पेपर होता है तो आपको एक आंसर जो स्क्रिप्ट है वो दे दी जाती है, आंसर्स दे दिए जाते हैं, आंसर की प्रोवाइड कर दी जाती है, और कमीशन ये बोलता है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप वो आपत्ति प्रॉपर डॉक्यूमेंट से देखकर कमीशन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये अच्छे एविडेंस है इस चीज़ के कि ट्रेल ही वो आदमी थे जिन्होंने नैनीताल को बसाया, और नैनीताल एकदम लोगों को पसंद आ गया। मतलब 4-5 साल नहीं लगे नैनीताल को पूरी तरीके से बसने में। नैनीताल जहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, कम आबादी थी, कुछ तीर्थयात्री ही आया करते थे उस नैनी लेक और उसके पास बने हुए मंदिरों के दर्शन करने, इसके अलावा विदेशियों का, अंग्रेजों का यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई आवाजाही, कोई आवागमन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने नैनीताल ढूंढा उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से नैनीताल के अर्बनाइजेशन का काम शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में नैनीताल सबसे अर्बनाइज्ड सेंटर अल्मोड़ा का बना, और कुछ ही सालों के अंदर अंग्रेजों ने भी कुमाऊं से अपना ऑफिस शिफ्ट करके नैनीताल कर लिया, और फिर नैनीताल ही उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कुमाऊं के लिए रही। तो जब उन्होंने नैनीताल देखा, उनके यहाँ की जो जलवायु थी, यहाँ का जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो काफ़ी पसंद आई। उनको लगा कि यहाँ के क्लाइमेट में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए यहाँ की जलवायु कुछ ऐसी है जो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो शुरुआत में क्या करा, जो कुछ बुजुर्ग लोग थे, बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करना, अलॉटमेंट लेना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे चर्च भी बना दिया गया, यहाँ पे वेलनेस सेंटर्स भी बन गए, यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन गया, और फिर उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए लोग भी आ गए, फिर उन्होंने होटल्स वगैरह खोल लिए वहाँ पे ताकि कुछ इनकम हो पाए, और इस तरीके से पूरा जो नैनीताल शहर था वो बसता ही चला गया। तो जब ये नैनीताल बनाया गया और अचानक इसकी पॉपुलैरिटी हुई और लोगों ने इस एरिया में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नैनीताल के मैनेजमेंट के लिए एक म्यूनिसिपल कमेटी बनानी चाहिए। म्यूनिसिपल कमिटी मीन्स अर्बन लोकल बॉडी। ये इस तरीके की पहली बॉडी थी पूरे के पूरे गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड क्षेत्र में। इससे पहले इस तरीके की कोई प्रॉपर बॉडी नहीं बनाई गई थी, पर नैनीताल को पूरा शहर माना गया क्योंकि वो नया बसा हुआ शहर था, ग्रामीण क्षेत्र वहाँ नहीं था, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक म्यूनिसिपल कमिटी बनाई जाएगी जो नैनीताल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नैनीताल के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और मेजर जनरल सर डब्ल्यू रिचर्ड्स को इसका चेयरमैन बनाया गया जो कई सालों तक यहाँ के चेयरमैन रहे। उस एरिया के एक बहुत अमीर आदमी थे जिसका नाम था मोतीराम शाह, काफी पैसे वाले थे, और उन्होंने या उनके पैसों से कंपनी के ऑफिसर्स ने यहाँ पे सारा डेवलपमेंट किया, उनसे लोन लिया गया, उनको इंटरेस्ट दिया गया, एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलाया मोतीराम शाह ने, और उस पैसे के बदौलत ये पूरा नैनीताल शहर जो था वो अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया। नैनीताल की एक सबसे पुरानी बिल्डिंग में क्या आता है, सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस, ये कई पुराने चर्चेस में से एक है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट, अगर सिर्फ पूछ लिया जाए कि वेयर सेंट जॉन्स चर्च इज लोकेटेड, तो आपका आंसर होगा नैनीताल में, या फिर ये भी पूछा जा सकता है सेंट जॉन इन विल्डरनेस, है ना। तो ये पूरे उत्तराखंड के बनने वाले कुछ शुरुआती चर्चों में से एक था, और फिर 1855 में ही, ये अगेन इम्पॉर्टेंट डेट प्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुमाऊं कमिश्नरी कब अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर दी गई, 1815 में। हाँ बिल्कुल ठीक, मोतीलाल शाह वही आदमी है, नैना देवी टेम्पल भी बनवाया, बड़े मतलब पैसे वाले लोग थे अंग्रेज, जो तो उनके आगे पीछे घूमते रहते थे कि कुछ पैसा दे दो, ये दे दो, कई बार उन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह भी लगे, पर खैर उन्होंने उस चीज़ को मैनेज कर लिया। तो खैर कुमाऊं को शिफ्ट कर दिया गया, कुमाऊं जो कमिश्नरी थी उसको शिफ्ट करके कहाँ ले जा लिया गया, नैनीताल ले जाया गया, है ना, 1815 में। तो 1815 से लेके
1855 तक कुमाऊं कमिश्नरी का ऑफिस कहाँ बना रहा? कुमाऊं। होमवर्क है आपके लिए एक कि आप थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि अब कुमाऊं की उस बिल्डिंग को मल महल कहते हैं, उसे ना मल महल कहा जाता है उस एरिया को जहाँ पे पहले अंग्रेज रहा करते थे। तो मल महल के बारे में, वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि अब इसे एक हेरिटेज जो बिल्डिंग है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और गवर्नमेंट उसके सजावट और रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। वहाँ पर जितने भी ऑफिसेस थे, डीएम ऑफिस वगैरह, उन सबको शिफ्ट कर दिया गया है, एक नई बिल्डिंग बना दी गई है। तो एक नई बिल्डिंग जो है वो वहां पर बना दी गई है। इसके बाद आए जॉन हैलेट बैटन। बैटन वही जो पहले क्या थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, कहाँ के? कुमाऊं के। तो जब ल्यूसिंगटन की डेथ हुई, ल्यूसिंगटन की डेथ यहीं अल्मोड़ा में ही हो गई थी, तो जब ल्यूसिंगटन की डेथ हुई तो उसके बाद उनके ही असिस्टेंट कमिश्नर जो कुमाऊं के थे, जॉन हैलेट बैटन, उनको नया कमिश्नर बना दिया गया। और 1848 से लेके 1856 तक, राइट, कौन यहाँ के कमिश्नर रहे? जॉन हैलेट बैटन रहे। बैटन ने काफ़ी अच्छा काम किया। बैटन को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की जो जलवायु है वो हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, हॉर्टिकल्चर एंड टी फार्मिंग दोनों के लिए। हालांकि टी की फार्मिंग पहले से ही शुरू हो गई थी, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस तो नहीं किया है लेकिन बढ़ावा दिया है उन्होंने। बैटन ने हॉर्टिकल्चर के लिए क्या किया, एक तो बॉम्बे मैंगोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, किस एरिया में? हल्द्वानी के एरिया में। ये एक नई प्रजाति लाई गई। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बीज भी बांटे हैं ना, बहुत सारे जो सीड्स थे वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ के लोगों के लिए, ताकि वो अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स हैं और अलग अलग टाइप के जो ट्रीज हैं उनका कल्टीवेशन कर पाए। अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, टी कल्टीवेशन इन कुमाऊं। टी कल्टीवेशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले टी कल्टीवेशन का जो आइडिया है वो डॉक्टर रॉयल जो थे उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सहारनपुर के एरिया में टी का कल्टीवेशन हो रहा है, वैसे ही कुमाऊं की जलवायु ऐसी है। बिल्कुल, ल्यूसिंगटन ही वो आदमी थे, सही कहा आपने, है ना। तो डॉक्टर रॉयल ने कहा कि यहाँ की जलवायु ऐसी है कि टी का प्लांटेशन हो सकता है। अभी भी है ये टी का प्लांटेशन। जो लोग उस एरिया के हैं, मेरे जो सुन रहे होंगे या मेरे स्टूडेंट्स में से, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अल्मोड़ा के आगे जो है वो आपको इस टाइप का जो टी प्लांटेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो 1834 में कमेटी बनाई गई जब डॉक्टर रॉयल ने कहा, और कमेटी का काम ये था कि वो उन जगहों को ढूंढे जहां पर टी का कल्टीवेशन हो सकता है, टी कल्चर हो सकता है। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि कुमाऊं का ऐसा एरिया है जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टी कल्टीवेट की जा सकती है। टी के लिए आपको ना स्लोप्स चाहिए होते हैं, एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। टी के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको स्लोप्स चाहिए होते हैं ताकि पानी रुके ना। दूसरा, आपको रेनफॉल अच्छा चाहिए होता है। रेनफॉल अगर कम होगा ना तो भी दिक्कत है, और अगर ये हाई है पर अगर ये रुक रहा है तो भी ये दिक्कत है। तो इसलिए आप देखोगे ना कि टी प्लांटेशन जहाँ भी होता है वहाँ स्लोप्स पे होता है, ताकि पानी मिले तो, पर उसकी जड़ों पे रुके ना। और तीसरी चीज़ इसके लिए चाहिए होता है, जो सॉइल होता है वो चाहिए होता है एसिडिक। इसके लिए एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, और फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उनको कुमाऊं के एरिया में मिल गई, और पहली जो दो नर्सरीज थी वो लक्ष्मेश्वर और अल्मोड़ा में, और भरतपुर भीमताल में, है ना, ये दो नर्सरीज आई। अब थोड़ा सा आपका होमवर्क ये रहेगा कि टी प्लांटेशन उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ पर है उसको भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा ये पौड़ी में भी है, पर प्रोमिनेंटली ये कहाँ पर है, ये आपको अल्मोड़ा में ही मिलेगा। अभी भी बूढ़ा लक्ष्मेश्वर जो एरिया है वो टी कल्टिवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। चाय के बहुत सारे बागान जो हैं वो वहाँ पर फैले हुए हैं। इसी तरीके से भीमताल का भरतपुर भी है, वो इसी चीज़ के लिए फेमस है। बारे में पढ़ेंगे, और फिर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसका इम्पैक्ट कुमाऊं पे क्या पड़ा, और फिर उसके बाद कुमाऊं में फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर किस टाइप की अवेयरनेस
और किस टाइप की एक्टिविटीज हुई, ये भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तो इतना ही था, आइए अब 10 मिनट का रिवीजन करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जो लोग बाद में ज्वाइन कराए उन लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि अब क्या होगा, इसी क्लास के साथ आखिरी के 15 मिनट्स के अराउंड वी विल बी डिस्कसिंग टॉपिक्स थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर मोड। अब इसके लिए भी हम लोग सिस्टमैटिक चलेंगे, ऐसा नहीं रैंडम कहीं से भी। अभी जैसे मैंने आज के लिए लिया हुआ है चैप्टर वन, और चैप्टर वन मैंने लिया हुआ है स्टोन एज प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां तक के जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने लिए हैं, राइट। अब क्या होगा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे, वैदिक ऋग्वेदिक जिसे पीरियड कहते हैं, लेटर वैदिक, और साथ ही साथ महाजनपद, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अब जब आप पढ़ लेंगे इस चीज को, पूरा दिन ये पढ़ लीजिएगा, तो जब शाम की क्लास होगी तो इस शाम की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने दिन में पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा। तो शुरू करते हैं चलिए उन क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक वे में लेने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेगूर और आदमगढ़ किस चीज के लिए फेमस हैं। बेगूर जो जगह है, बेगूर जगह कहाँ पर है, बेगूर जो जगह है इट इज इन राजस्थान, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। और आदमगढ़ कहाँ पर है, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये साइट्स किसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के लिए, कॉपर टूल्स के लिए, कैमल बोन्स के लिए, स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस के लिए। कोई आंसर देगा इसमें, कोई भी आंसर देने के काबिल है क्या, बेगूर एंड आदमगढ़ किस टाइम की साइट है, ये एक तरीके से मेसोलिथिक साइट है बेगूर एंड आदमगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। राकेश आपका आंसर रॉन्ग लग रहा है, ये नहीं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, गुड है ना। सबसे पहला फर्स्ट एविडेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सबसे पहले इस बात का साक्ष्य है कि पशुपालन हुआ वो कहां से आता है इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आपका आंसर होगा बेगूर एंड आदमगढ़। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। बेगूर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, शीप गोट टाइप के जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन हुआ। ये मेसोलिथिक टाइम की बात है, लगभग 10,000-20,000 साल ईसा पूर्व के आसपास की। दूसरा क्वेश्चन है, अर्लीएस्ट फार्मिंग वॉज डन इन इंडिया इन विच रीजन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेती के सबसे पहले जो सबूत हैं वो हमें कहां से देखने को मिलते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कमेंट में ना 2A 2B ऐसे करके लिखिएगा ताकि पता लग जाए कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। गुड, मेहरगढ़ में लगभग 7000 BC ईसा पूर्व से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार खेती की गई। ये मेहरगढ़ अब कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, अब ये इंडिया में नहीं है। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। इनाम गांव क्या है, इनाम गांव एक चैल्कोलिथिक साइट है जो कहाँ पे पड़ती है, इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ती है, और ये बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है, अपनी पुरानी सबसे पुरानी बस्तियों के लिए फेमस है ये इनाम गांव की जो साइट है। हड़प्पा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जाना जाता है, और भीमबेटका किस चीज के लिए फेमस है, कोई बताएगा भीमबेटका किस चीज के लिए फेमस, एक प्रॉपर रिवीजन करेंगे मजा आएगा जिसमें, भीमबेटका किसके लिए फेमस है, केव पेंटिंग जिसे हम लोग और क्या नाम देते हैं, मूरल्स,
भित्ति चित्र, दीवारों पे बनाए हुए चित्र, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और कहाँ पर लोकेटेड है ये? मध्य प्रदेश में, भोपाल से करीब करीब 40-45 दक्षिण में जाएंगे तो ये आपको केव मिलेगी भीमबेटका। और इसका संबंध किस काल से है? इसका संबंध भी मीजोलिथिक काल से है। मीजोलिथिक और बाद में फिर न्योलिथिक हो, चैल्कोलिथिक हो, हमें पता लगता है कि इन गुफाओं में लोग मीजोलिथिक टाइम से रहने लग गए थे। और फिर इस गुफा को लगभग ये इनहेबिटेड रही टिल वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अ डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड? इनमें से किस एरिया पे एक डॉकयार्ड लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स सी हु ऑल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अ डॉकयार्ड, डॉकर क्या होता है? बंदरगाह, जहां पे नावें आके रुकती हैं ना, तो कौन सा वो जगह है जहां पर डॉकयार्ड लोकेटेड है? उसके एविडेंस मिले हैं हमें, राइट? सब लोग जानते हैं लोथल है वो, है ना? लोथल कहां पर है? गुजरात में। गुजरात इंडिया की साइट है ये, राइट? धोलावीरा भी गुजरात में ही है, सुरकोटदा भी वहीं है, जबकि मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान की साइट है। तो लोथल एक बंदरगाह था। लोथल और किस चीज के लिए फेमस है, कोई बता पाएगा? और किस चीज के लिए फेमस है लोथल का? किस बारे में जिक्र आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। मैं बताता हूं, लोथल में कई बार माना जाता है कि हॉर्स जो बोन्स हैं उसके कुछ नहीं, नॉट हॉर्स बोन्स, सॉरी, कैमल बोन्स, कैमल बोन्स, कैमल बोन्स के एविडेंस मिलते हैं, है ना? इसके अलावा लोथल किस चीज के लिए फेमस है? राइस कल्टीवेशन के लिए भी। ये भी कहां पे मिला है? ये भी हमें लोथल से ही मिलता है। समझ में आया आपको? तो ये सब चीजें लोथल से ही हैं, पर डॉकयार्ड जो है उसके लिए सबसे फेमस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर। अब इस पे आते हैं, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, कई बार आपने इसको इसकी पिक्चर देखी होगी, इमेज देखी होगी। ये एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज मेटेलिक स्टैचू है ये। तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिलती है? किस शहर से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल अनअर्थ हुई है, हमें प्राप्त हुई है? फोर्थ आंसर, फोर्थ इज बी, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा में क्या मिला है? हड़प्पा में हमें एक मेल टोर्सो मिलता है, मेल टोर्सो, मनुष्य का, पुरुष का धड़, लाल संगमरमर जो है ना, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ मेल टोर्सो। तो कई बार कुछ जो कलाकृतियां मिली हैं, जैसे कि एक मिला है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें कहां से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा प्रीस्ट की एक मूर्ति है, कई बार आपने देखा होगा, एक प्रीस्ट की मूर्ति है, वो हमें कहां से मिलती है? वो प्रीस्ट की जो स्टैचू है वो हमें मिलती है किधर से? मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा मेल टोर्सो हमें कहां से मिलता है? पुरुष का धड़, हड़प्पा से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सील मिली है इसमें, जिसमें माना जाता है कि वो पशुपति सील कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उसमें बैठे हैं उनको पशुपति महादेव, जानवरों का देवता कहा गया है। वो सील है, काफी फेमस है, जो उस जमाने के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताती है। तो ये पशुपति जो सील है वो कहां से मिलती है, कोई बता पाएगा? पशुपति सील, जिसमें पशुपति ट्राइडेंट पहने बैठे हुए हैं और उनके नीचे कुछ जानवर हैं।
मोहनजोदारो से ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हैं जो मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी कल्चर इज ओल्डेस्ट। ये अलग अलग पॉटरी कल्चर है क्वेश्चन नंबर 5, उनमें सबसे पुराना कौन सा है। कई बार क्या होता है, हिस्ट्री को हम लोग एक तो स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज इसके बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। कई बार हम लोग सिविलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। एक और तरीका है अर्ली हिस्ट्री को डिवाइड करने का, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी। किस प्रकार की पॉटरी मिली है, तो जो कॉमन टाइप है वो है ओसीपी, ऑकरे कलर्ड पॉटरी इसका नाम दिया जाता है। दूसरी है पीजीडब्ल्यू, इसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, ना पढ़ा भी रहा हूं आपको साथ साथ। एनबीबीडब्ल्यू क्या है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और अगला क्या है, रेड ऑन ब्लैक सिंपल टाइप पॉटरी, रेड बेस पे ब्लैक डिजाइन बनाया गया है। तो हर एक पॉटरी का संबंध किसी न किसी सभ्यता से, किसी न किसी समय से है। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है ओसीपी, एंड दैट इज द राइट आंसर। ओसीपी इसका संबंध किससे है, चैल्कोलिथिक से है, चैल्कोलिथिक। दिस इज द ओल्डेस्ट, ओसीपी सबसे पुराना है। पेंटेड ग्रेवेयर का संबंध कोई बता पाएगा किससे है, पेंटेड ग्रेवेयर किस आप सिविलाइजेशन से जोड़ के देखते हैं पेंटेड ग्रेवेयर को। पेंटेड ग्रेवेयर वैदिक और लेटर वैदिक टाइम की चीज है ये, यानी कि हड़प्पा के बाद की, हड़प्पा के बाद की है, वैदिक पीरियड हो गया। एनबीबीडब्ल्यू का संबंध किससे है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कोई बताएगा ये किससे है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर अगर हम सिविलाइजेशन से इसको जोड़ें तो किस सिविलाइजेशन को बताता है ये, एनबीपीडब्ल्यू ये बताता है मौर्यन को, महाजनपद मौर्यन पीरियड उस टाइम की पॉटरी को बताता है ये, है ना। तो अगर सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाए तो आप समझ जाइएगा, सबसे पुरानी ओसीपी है, फिर पेंटेड ग्रे वेयर है, और फिर एनबीपीडब्ल्यू है। रेड ऑन ब्लैक इस तरीके से कोई कैटेगराइजेशन नहीं है इस टाइप की पॉटरी का, ये तो जबरदस्ती चार ऑप्शन डालने के लिए मैंने बना दिया था, है ना, तो इसलिए उसको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आमतौर पर हड़प्पा लोगों की पॉटरी जो है वो रेड ऑन ब्लैक कैटेगरी की है, विद लीनियर डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैं उसमें, पर उसको कोई नाम नहीं दिया गया, है ना, सिर्फ ये कह दिया गया इट इज रेड ऑन ब्लैक पॉटरी, पर उसको किसी सिविलाइजेशन से जोड़ा नहीं गया, जैसे कि ओसीपी पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू को जोड़ा जाता है, तो आमतौर पर उसको नहीं रखा जाता। फिर भी इन केस ये क्वेश्चन आ जाएगा तो रेड ऑन ब्लैक को आप हड़प्पा से जोड़िएगा। तो ओसीपी इज द ओल्डेस्ट, चैल्कोलिथिक पीरियड है ओसीपी। जो हमारे को पॉटरी मिली है ना, वो बहुत सारी जगहों से मिलती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कयाथा, कयाथा गंगेरिया, कयाथा गंगेरिया मध्य प्रदेश की साइड से, निवासा है ना, चिरंद कहां की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है बिहार की, ये सब किसकी हैं, चैल्कोलिथिक हैं। इसी तरीके से इनाम गांव और दैमाबाद कहां की हैं, महाराष्ट्र की हैं। अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आहाड़ और गिलुंद। आहाड़ का पुराना नाम जो है वो तामावती हुआ करता था, यहां पे कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। अब आप समझ सकते हैं ये कहां होगी, ये राजस्थान का जो खेतरी माइंस वाला एरिया है ना, वहां पे लोकेटेड है। दोनों ही साइड्स आहाड़ और गिलुंद कहां पर हैं, राजस्थान में है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किस शहर का नाम तामावती हुआ करता था, तो आप लिख देंगे आहाड़, AHAR। ये सारी साइट्स किससे एसोसिएटेड है, ओसीपी से, पेंटेड ग्रेवेयर एनबीपीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर वैदिक लेटर वैदिक,
एनबीपीडब्ल्यू मौर्यन। तो हो सकता है कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, टेंशन मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ओल्ड नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, है ना। कुछ हमें इंस्क्रिप्शन मिली हैं वेस्टर्न एशिया से, उस वेस्टर्न एशियन इंस्क्रिप्शन में एक शहर का नाम दिया हुआ है और हिस्टोरियंस मानते हैं दैट द नेम इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन कल्चर। वो जो नाम है वो शायद उस जमाने में हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे जुड़ा हुआ है। कोई बताएगा कौन है वो नाम? मेलुहा, राइट, मेलुहा है वो नाम। अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। दिलमम और मकरन, मकरन जो है ना मकरन कोस्ट से पहचाना गया है, दिलमम जो है वो पर्शियन गल्फ से पहचाना गया है, सुमेर तो सुमेर सिविलाइजेशन है जो मध्य एशिया की सिविलाइजेशन है ना, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, सुमेर और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एंड सुमेर, ये दोनों सिविलाइजेशन कहां की हैं? ये दोनों सिविलाइजेशन इराक वहां पे थी, मेसोपोटामिया भी और सुमेर भी। तो उनका व्यापार, मेसोपोटामिया के लोगों का, सुमेर के लोगों का जो व्यापार है वो मकरन, दिलमम और मेलुआ इन तीनों एरिया से हुआ करता था। मेलुआ यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मेसोपोटामिया के कुछ सिक्के भी मिले हैं जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है। इसके अलावा डॉकयार्ड भी मिला है जो बताता है कि नावें जाती रहती थी। लोथल से ही हमें जो शिप की छोटी छोटी टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को बना के या मिट्टी को बना के बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेराकोटा। तो ये टेराकोटा के लिए फेमस है पूरा का पूरा सिविलाइजेशन। तो वो नाव के टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जिससे कि कन्फर्म होता है कि ये लोग किसी ना किसी टाइप का सी ट्रेड करते थे। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिली भी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, लैपिस लेजुली मिला है, ये कीमती पत्थर होते हैं जो भारत में आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं और ये वहीं जहां पे मेसोपोटामिया और सुमेर सिविलाइजेशन थी वहां मिलते थे। तो इनका यहां पर मिलना इस बात को साबित कर देता है कि हड़प्पा के लोगों का समुद्री व्यापार अपनी समकालीन सभ्यताएं, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन सुमेर और मेसोपोटामिया के साथ था। और वहां पे जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उसमें मेलुहा जो शब्द यूज किया गया है या मेलुहा जो टेरिटरी बताई गई है, डिस्क्राइब की गई है, उसका जो विवरण है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है, उसकी जो लोकेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवेंथ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन हड़प्पन सील इज। हड़प्पा अपनी मोहरों के लिए जाना जाता है, वो उनकी आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो उनकी सील्स हैं। ये सील्स हैं जिसमें आमतौर पर या तो एनिमल बना होगा, इस टाइप का कुछ इंग्रेव्ड एनिमल बना होगा। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मैं तो बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ड्राइंग के मामले में मैं बिल्कुल बर्बाद किस्म का इंसान हूँ। प्लस कुछ इंस्क्रिप्शन भी है, तो उनके इंस्क्रिप्शन के जितने भी सिम्बल्स हैं ना वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वो उनकी जो सील्स हैं वहीं से ही मिलते हैं। तो उनकी सील उनके आर्किटेक्चर का प्लस उनकी जो स्क्रिप्ट है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी। तो सील्स में जो एनिमल है उसमें सबसे कॉमन एनिमल कौन है? बुल। उनके बहुत सारे सील्स पे हम्प्ड बुल है ना वो बना हुआ है, बहुत सारे सील पे लॉयन भी बना है, बहुत सारे सील पे यूनिकॉर्न भी है, एलिफेंट भी है। सबसे ज्यादा कौन बना है? यूनिकॉर्न इज द राइट आंसर, है ना। यूनिकॉर्न क्या होता है? ये एक माइथोलॉजिकल एनिमल है, रियलिटी में नहीं पाया जाता है, है ना। सींग होता है जिस घोड़े पे ना, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये बहुत सारी सभ्यताओं में आपको मिलेगा, इसको काफी दैवीय पशु माना जाता है। चाहे ग्रीक माइथोलॉजी हो उसमें आप देखेंगे, या इंडिया की माइथोलॉजी हो, या और भी कंट्रीज में आप देखेंगे, तो वहां पर आपको यूनिकॉर्न जो एनिमल है वो बार बार
पढ़ने को, उसके जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, बट इट इज़ अ मैथोलॉजिकल. ऐसा कोई एनिमल कभी एग्जिस्ट किया होगा वो डाउटफुल ही है. इट इज़ अ हॉर्स, कई बार ये फ्लाइंग हॉर्स भी होता है, इसके पंख भी होते हैं. प्लस इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इसके आगे एक बड़ी सी, जैसे डायनासोर, नॉट डायनासोर सॉरी, राइनो की नाक होती है ना, ऐसे सींग टाइप बना होता है आगे, वो यूनिकॉर्न को बना होता है. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फिगर. सील्स हड़प्पा के लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे? अपनी प्रॉपर्टी को मार्क करने के लिए. हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी की पूरी बिजनेस पे टिकी हुई थी, मार्केट पे टिकी हुई थी. अलग अलग व्यापारी होते थे जिनका सामान दूर देश तक जाता था. तो पहचान किस तरीके से होगी, पेमेंट किसको करा जाएगा, इसके लिए वो क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर सील से मार्क कर दिया करते थे. उन सील पे कुछ लिखा होता था संदेश, शायद उनका नाम लिखा होता होगा या उनकी कोई गिल्ड या फर्म होती होगी, उसका नाम लिखा होता होगा, सिंबल बना होता होगा, प्लस एक एनिमल बना होता था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द साइट इज नॉट इन इंडिया. इनमें से कौन सी साइट इंडिया में नहीं है? लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन, कोटडीजी, इनमें से कौन सी साइट इंडिया में नहीं है? 8th का आंसर. लोथल कहां पर है? ऊपर बता दिया है, गुजरात में है. सुरकोटदा कहां पर है? ऊपर बता दिया है, गुजरात में ही है. कालीबंगन, ब्लैक बंगाल जिसका नाम है, वो कहां पर लोकेटेड है? राजस्थान में. तो ये तीनों ही साइट जो हैं वो इंडियन साइट हैं. कोट डीजी जो है वो बस बाहर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है. कोट डीजी प्रॉपर हड़प्पा साइट नहीं है, कुछ लोग इसको ना प्री हड़प्पा बोलते हैं. कहते हैं कि कोट डीजी में किसी वजह से आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया और लोग कोट डीजी को छोड़कर हड़प्पा आ गए, तो कोट डीजी इज कंसिडर्ड अ प्री हड़प्पा साइट. पर देखिए ये सब तो यूपीएससी के लिए अच्छा है, कई बार मैं ज्यादा आपको फ्लो में एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ, पर इतना नहीं जाना आपको ना, आपको बस इतना याद रख लेना है. यहाँ पे उत्तराखंड में इतना वो डीप में नहीं जाएंगे कि प्री हड़प्पा कौन सा है, हड़प्पा कौन सा है, पोस्ट हड़प्पा कौन सा है, प्रोटो हड़प्पा कौन सा है, इन सब चीजों में नहीं जाएंगे वो, ना ही मेन्स पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्री प्रोटो पोस्ट हड़प्पा, हड़प्पा मैच्योर फेज किसको कहा जाए. तो कोट दीजिए एक वैसे प्री हड़प्पन साइट है. कोट दीजिए, आमरी, प्रॉपर हड़प्पन मैच्योर फेज में नहीं आते हैं. जब हम मैच्योर फेज की बात करते हैं हड़प्पा की, तो कब से कब तक लिए जाती है वो? 2100 बीसी से लेके लगभग लगभग 1900 बीसी तक. दिस इज कंसिडर्ड द मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बाद की जो है उसे हम लोग, हाँ कोट दीजिए सिंध में है, इसके बाद की जो साइट है वो हम क्या कहेंगे, पोस्ट हड़प्पा, और उससे पहले की जो है उसे हम प्रोटो हड़प्पा, जो काफी कुछ उससे मिलती जुलती है, और उससे पहले की जो है उसे हम लोग प्री हड़प्पा बोलेंगे. तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया. आज पहला था तो मैं कमी क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं आपको होमवर्क दूं और फिर आप प्रिपेयर करके आए. तो कल आप हिस्ट्री में क्या करके आएंगे, थोड़े क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं आपको, डिस्कशन भी अच्छा करेंगे. कल आप वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपद, इन तीनों का अच्छा सा रिवीजन करके आइएगा. इसमें वैदिक का जो लिटरेचर है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, उनका उदय कहाँ से हुआ, इन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे हम लोग. महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानियां क्या थी, और उनके बारे में कुछ विशेष चीजें, बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं, पर उन महाजनपदों के बारे में कुछ विशेष चीजें, जैसे कि उनकी जो करेंसी थी, उनके जो कॉइन्स थे, सबसे पहले कॉइन उन्होंने इशू किए वो कॉइन क्या थे, वैदिक टाइम पे जो प्रचलित शब्द थे किसको क्या कहा जाता था, सीर और लंगल ये क्या हुआ करते थे ये देखेंगे, या फिर किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी और किस चीज को वो नहीं जानते थे, किस चीज का प्रचलन करते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. उनकी रीति रिवाज क्या हुआ करते थे, सभा समिति विद्वत गण ये क्या चीजें हुआ करती थी, है ना. तो ये सब चीजें हम कल करेंगे. क्वेश्चन का 15 के करीब क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और टॉपिक ये तीन रहेंगे, वैदिक, लेटर वैदिक एंड महाजनपद. फिर इसके बाद मंडे को जो होगा उसमें मैं पॉलिटी पकड़ूंगा. तो फिलहाल दो चीजें लेकर चलते हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी. सिस्टमैटिक करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, ताकि आपका रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू होता रहे
और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। तो हमें वेट ना करना पड़े कि हमारी उत्तराखंड जीके खत्म होगी, फिर कहीं जाकर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। तो ये साथ साथ करते हुए चलेंगे, बहुत शार्प आपकी नॉलेज बन जाएगी इस चीज़ से ही। तो पॉलिटी में हम करेंगे मंडे से, पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरीके से हुआ, 1858 के बाद के जितने एक्ट हैं वो, प्लस प्रियम्बल, इन चीज़ों को पकड़ लेंगे हम। तो कल, लेकिन आपको कल, वैसे सैटरडे में क्लास नहीं लेता पर बीच में काफ़ी क्लासेज हुई नहीं है तो इसलिए मैं एक क्लास ले लूँगा आपकी। तो कल हम लोग इन तीन टॉपिक के बारे में करेंगे, प्लस जो हमारा रेगुलर चल रहा है जीके का सेशन, रामसे के बारे में पढ़ेंगे, द अनक्राउंड किंग ऑफ अल्मोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, है ना। स्ट्रैटेजी UPPCS के लिए भी, हाँ UPPCS के लिए भी दे दूंगा एक्चुअली ना, अभी मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना चाह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा, मेरा फोकस UKPCS के ऊपर है, इसके बाद मैं UPSC के लिए 2022 की जो स्ट्रैटेजी है वो अपना एक दूसरा हमारा चैनल है वेदांता IAS के नाम से ही, वहां पे आपको UPSC भी करवाऊंगा, प्रॉपर UPSC, उसके लिए बुक्स कैसे करनी है, उसके लिए क्लासेस, सब कुछ चीजें, उसके लिए करंट अफेयर, सब कुछ। पर अभी मैं थोड़ा 10-15 डेज में थोड़ा मोमेंटम में लाना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को, कि भाई आप मोमेंटम में आ जाएं, पढ़ना शुरू कर दें, जानकारी समझने किस तरीके की है। फिर जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपना कैपेबल हो जाएंगे तो आपको मेरी जरूरत कम पड़ेगी, फिर आप कुछ ही चीजों में मुझसे पूछेंगे कि सर ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो हमें, मैं आपको उस स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ, है ना। एक अच्छे टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि वो स्टूडेंट को इतना काबिल बना दे कि उसको टीचर की आवश्यकता ना पड़े। तो कोशिश यही है कि आपको मैं बता दूं कि क्या पढ़ना है, फिर मैं UPSC 2020 पे टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो UPSC 2022 पे फोकस करेंगे, तो उसके लिए प्री मेंस, क्योंकि उसके लिए सब कुछ आपको पहले से करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये दो चीजें जो है ना वो मैं आपके साथ लेके चलूंगा, उत्तराखंड GK और साथ में ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए अभी इतना ही करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों ने ज्वाइन करा ही होगा, तो प्लीज, और टेस्ट सीरीज भी है तो टेस्ट सीरीज भी देख लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है उसमें, क्योंकि उसमें यहां तो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज मैंने एक डेमो भी डाला है क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में कि ऑनलाइन होगा, PDF मिलेगी, बाद में देखना होगा तो कैसे देखेंगे। तो इन सब चीजों के लिए मैंने क्या करा है, एक डेमो डाल दिया है, मतलब फॉर्मेट है वो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेवल ये रहेगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे उसमें आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे, सब कुछ प्रॉपर होगा, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। तो सिर्फ डेमो के लिए डाला है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, अब उसमें इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज अलग चलती है, हिंदी की टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग चलेगी, किसी टाइप का कोई मिक्सअप नहीं होगा उसमें। चलिए, धन्यवाद।